हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके कैफे। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2019 में पूछे गए सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स देखेंगे जो ऑफिशियल आंसर के हिसाब से उठा के रखे हैं मैंने, और ये आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका वेटेज भी ज़्यादा रहता है प्रीलिम्स के एग्जाम में, और एसएससी सीएचएसएल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एसएससी सीजीएल 2020 के लिए भी। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इससे पहले मैं पार्ट ला चुका हूँ और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका करेक्ट स्पेल देखना है हमको इसमें, तो ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, कमेमोरेट। इसका मतलब क्या होता है, किसी को रेस्पेक्ट देना या श्रद्धांजलि देना, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली स्पेल्ट में ही पूछा जाता है, करेक्ट स्पेल्ट में, तो इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, इसमें करेक्ट स्पेल्ट देखना है हमको भी इसमें भी, तो ये बहुत बार पूछा जाता है, डेफिनेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, डेफिनेशन, राइट। नेक्स्ट है हमारा, इसमें इनकरेक्ट स्पेल्ट देखना है हमको, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा, एक्वेंटेंस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जानकारी होना या बहुत हल्की नॉलेज होना, बहुत हल्की जानकारी होना। देखिए इसमें मिस्टेक क्या है, एक्वेंटेंस में इसमें ई नहीं आएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, राइट। और बाकियों के मीन भी बता देता हूँ। अलायंस माने क्या होता है, किसी के साथ संधि कर लेना, साझेदारी कर लेना। एक्विसीजन, एक्विसीजन माने क्या होता है, अर्जित करना या किसी चीज़ को खरीदना, एक्विसीजन माने होता है, राइट। एबेंडेंट माने क्या होता है, इसका मतलब हम जानते हैं त्याग देना। एक होता है एबेंडन और एक होता है एबेंडेंट, उसका मतलब होता है प्रचुर और इसका मतलब होता है त्याग देना, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमें इसको इनकरेक्ट स्पेल देखना है इसमें, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा, सीज, राइट। सीज में देखिए स्पेलिंग में आई और ई में ही ज़्यादातर मिस स्पेल्ट होता है, तो यहाँ पर जहाँ पे आई लिखा है वहाँ ई आ जाएगा और जहाँ पे ई लिखा है वहाँ आई आ जाएगा, राइट। सीज माने क्या होता है, किसी चीज़ को जब्त कर लेना, राइट। और देखिए ग्रिफ, ग्रिफ माने क्या होता है, दुख होना किसी चीज़ के लिए, सौरव होना। और फियर्स, देखिए लिखने में तो फियर्स लिख रखा है बट इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, फियर्स होता है। फियर्स माने क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है डरावना या बहुत ही आक्रामक होता है, जिसको देख के डर लग जाए उसको फियर्स कहते हैं। और पीस माने तुम जानते हैं क्या होता है, शांति। नेक्स्ट है हमारा, इसमें भी हमको इनकरेक्ट देखना है, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, सिंपल सा ऑप्शन तीसरा, ओमिशन। ओमिशन माने क्या होता है, बहुत गलती हो जाना छोटी सी, उसको ओमिशन कहते हैं। बट एक बहुत बड़ी गलती को क्या कहते हैं, ब्लंडर, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। बड़ी मिस्टेक को क्या कहते हैं, मिस्टेक्स नहीं, बहुत बड़ी भूल को कहते हैं ब्लंडर, और इसको क्या कहते हैं, ओमिशन को कहते हैं, भूल या बहुत छोटी सी मिस्टेक। इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, OMISSION, राइट। और सबके मतलब पता होनी चाहिए। ऑब्स्क्योर माने क्या होता है, किसी को बारे में समझने में मुश्किल होना या अस्पष्ट कहते हैं, जो क्लियर ना हो उसको ऑब्स्क्योर कहते हैं। ऑब्सोलेट माने क्या होता है, बहुत पुराना, राइट। और अपॉर्चुनिटी माने क्या होता है, किसी के बारे में अवसर मिल जाना, ठीक है, किसी चीज़ काम को करने के लिए अवसर मिल जाना, राइट। नेक्स्ट है हमारा, इसमें भी हमको इनकरेक्ट स्पेल ढूंढना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, डेलीगेट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रतिनिधि, राइट, जो किसी चीज़ का या मंडली का प्रतिनिधित्व करे या लीडरशिप करे, उसको क्या कहते हैं, डेलीगेट। स्पेलिंग क्या होती है इसकी, DELEGATE, डेलीगेट, राइट। और मोनार्की, देखिए इसको कई जगह मोनार्की बोलते हैं बट मोनार्की नहीं, मोनकी बोला जाता है। मोनार्की मतलब क्या होता है, राजतंत्र, जहाँ पे राजा राज करता है, राइट, उसको कहते हैं मोनकी, राइट। और रिबेल माने क्या होता है, किसी चीज़ का विद्रोह करना या विरोध करना। एडिबल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ये। एडिबल माने होता है जिसको खाने लायक जो चीज़ होती है उसको क्या कहते हैं, एडिबल, खाने योग्य, याद, राइट है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें करेक्ट स्पेल ढूंढना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैटलॉग। कैटलॉग की स्पेलिंग क्या होती है, CATALOGUE, ये जैसा इसमें दे रखा है कैटलॉग। इसका मतलब क्या होता है, सूची या लिस्ट को कहते हैं कैटलॉग। और सारी मिस स्पेल्ट हैं जितनी तीनों दे रखी है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलीनियर है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी सारी मैंने मीनिंग आपके सामने दे दिया, मिलीनियर, राइट। और एग्रेशन, एग्रेशन में क्या होता है, AGG होता है, यहाँ पे ओनली सिंगल जी नहीं होता, GG होता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर की स्पेलिंग क्या होती है, TEMPERATURE, राइट। तो ये सारे याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें भी करेक्ट स्पेल ढूंढना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉवरेनिटी, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, करेक्ट स्पेल्ट यही है, बाकी ये सारी मिस स्पेल्ट है। अमेजन माने, अमेजन की स्पेलिंग क्या होती है, AMAZON, अमेजन। ग्रीवेंस, इनका मतलब भी पता होना चाहिए, ग्रीवेंस माने होता है किसी की शिकायत करना या विरोध करना। और स्पेलिंग क्या होती है, यहाँ पे ई की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ग्रीवेंस, राइट। और आइटिनरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। आइटिनरी माने होता है यात्रा का रास्ता या यात्रा का कोई प्रोग्राम बनाना, उसको क्या कहते हैं, आइटिनरी, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें इनकरेक्ट स्पेल ढूंढना है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्रॉस। एक्रॉस की स्पेलिंग क्या होती है, ACROSS, इसमें डबल सी नहीं आता, राइट। और बाकी सारी स्पेल्ट सही है ये। नेक्स्ट है हमारा, इसमें इनकरेक्ट स्पेल ढूंढना है हमको भी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गारंटी। गारंटी की स्पेलिंग क्या होती है, GUARANTEE, गारंटी, राइट। गारंटी माने तो हम जानते हैं। अच्छा देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है गारंटी, इसको मिस स्पेल्ड में याद रखिएगा, स्पेलिंग कई बार गलती हो जाती है। और देखिए आज की वीडियो के लिए इतना ही,
और ये वीडियो का सेकंड पार्ट था, इसके बाद मैं थर्ड लाऊंगा और वो फाइनल होगा। और ये मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि एसएससी में मिस स्पेल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मेंस में तो ज़्यादा करते हैं, बट प्री के एग्ज़ाम में 25 में से 2 क्वेश्चन तो मिस स्पेल्ट के आ जाते हैं, तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। और एग्ज़ाम में हमारा एक भी मिस्टेक बहुत बड़ी गलती करता है, और मैं एकदम परफेक्टली बता रहा हूँ जैसा मैंने आज तक पढ़ा है, क्योंकि जो कि इस बार भी इस मिस स्पेल्ट पूछे गए वो सारे ही प्रीवियस ईयर्स के हैं। आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, सारे आपको प्रीवियस ईयर्स ही मिलेंगे, राइट। तो आज की वीडियो के लिए इतना, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लाता रहता हूँ, खासकर एसएससी को लेके। सो थैंक यू।